नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि साथियों, आप सबको पता है कि मैं इस पे जो MCQ है ट्रांसफार्मर के वो डाल रहा हूँ, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अपने ट्रेनिंग ऑफिसर ITI TO जो होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबने देखा हुआ, जो विगत वर्षों में एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन अपना इससे पूछा गया ट्रांसफार्मर से, MCQ जैसे ना, आपको पता होगा। चार्ट जो ट्रांसफार्मर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप सबको पता होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साथियों ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास में, आप सबको पता है। ठीक है, तो देखिए PDF मास से प्रस्तुत कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। मतलब आप सबको पता है मैं 100 क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, आज 101 क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए PDF क्या बोल रही है अपने पास। भैया आप देख पा रहे हैं कि वितरण ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आप सबको पता होगा मोहल्लों या भी घरों के आजू बाजू लगे हुए होते हैं, जिसका जो कनेक्शन होता है माय डियर फ्रेंड, जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको वितरण ट्रांसफार्मर का अंदर का ऑपरेशन और सब चीज देखना है तो इसका जो प्लेलिस्ट है साथियों अपना, जो मतलब ट्रांसफार्मर का, मेरे चैनल पे देखिएगा, आपको पूरा खबर उसमें सीखने मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में अंदर में प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है ना। 100 KV का हो गया, 200 KV का हो गया, 25 KV का हो गया, सब चीज़ डाल के रखा हूँ मैंने। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है अपना आज का कि वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित मतलब कि डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कैसा डिज़ाइन किया जाता है इसका। देखिए इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लो क्षति, जो अपना कोर लॉस होता है, आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में क्या होता है साथियों, 2 लॉसेस होते हैं, एक होता है कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस में फिर 2 लॉस होते हैं, कौन से होते हैं माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो उसमें लोह क्षति न्यूनतम रहे तो ऐसा कैसे हो सकता होगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लो क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि इसका आंसर है माय डियर फ्रेंड 3रे नंबर का, क्योंकि लो क्षति से क्या होगा, ट्रांसफार्मर में तेल गर्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको मतलब ज़्यादा गर्म ना हो इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, नहीं तो अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा लॉसेस होंगे, है ना। तो लोह क्षति से क्या होगा, ट्रांसफार्मर तेल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आंसर है। और साथ ही आप सबको पता होना चाहिए, मैं बताना चाह रहा था आपको, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वह गली मोहल्लों में लगा हुआ होता है, जिसका कनेक्शन आप सबको पता होगा डेल्टा स्टार में होता है, आप सबको पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वह डेल्टा स्टार में संयोजित होता है। स्टार में इसीलिए होता है क्योंकि आप सबको पता होगा इससे अपने को क्या बोलते हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है ना, अपने घरों में जो सप्लाई आती है 3 फेज 4 वायर फिर सिंगल फेज। ठीक है, आप सब समझदार हो, आप सबको पता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। 102 नंबर का क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रहना चाहिए। ठीक है, इसकी लो क्षति मतलब होता है अपना जो कोर लॉस को लो क्षति बोलते हैं, आप सबको पता होगा कितनी है, 1000 वाट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें। तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति कितनी होगी, माय डियर फ्रेंड कल ही मैंने आपको बताया था जो अपना साथियों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ कोर लॉस, कोर लॉस यानी इट इज़ क्या होता है, यह जो होता है फिक्स लॉस होता है। ठीक है, फिक्स लॉस होता है ना, यह फिक्स मतलब कि यह क्या होता है, नियत लॉस होता है। लेकिन भैया यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि आप देख पा रहे ताम्र लॉस, तो ताम्र लॉस क्या होता है दोस्तों, यह परिवर्ती लॉस होता है, मतलब कि अस्थिर लॉस होता है। ठीक है, वेरिएबल लॉस बोलना चाहिए। ठीक है, जो कॉपर लॉस होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, क्योंकि इसने क्या बोल दिया है, लो क्षति में 1000 वाट है, तो अर्ध लोड पर, देखिए अर्ध लोड पर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होना चाहिए कि जो कॉपर लॉस है वो एक स्थिर लॉस है, वेरिएबल लॉस है। इसीलिए आप सबको पता होना चाहिए कि जो कॉपर लॉस होता है वह अगर सपोज दैट हाफ कर दिया आपने, मतलब 1/2 कर दिया, तो उस कंडीशन में ना वह क्या हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है किसका, जो भी आपका लोड होगा उसका, है ना। तो इसने क्या किया भैया, लोड को अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी, तो देखिए माय डियर फ्रेंड अपने को कितना दिया हुआ, उन्होंने 1000 दिया हुआ है यहाँ पे, आप सबको दिख रहा है, तो ये हाफ लोड पे क्या होता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, तथा डबल करने पे क्या होता है, 4 गुना हो जाता है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, यह हाफ कर रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसको आप जब इससे काट देंगे तो आप सबको पता है 4 × 4 = 8 हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे, 2 है ना, 2। ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 250 वाट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आ रहा है 250 वाट। ठीक है,
माय डियर फ्रेंड, आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक लपेटनों को दुगुना कर दिया जाए। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पढ़िएगा बहुत मजे से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते एग्जाम में, ठीक है। देखिए, किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीयक लपेटनों को, मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब कि NS, ठीक लिख सकता हूँ मैं ऐसा, लपेटनों को दुगुना कर दिया जाए और साथ ही प्राथमिक उल्टता को दुगुना, प्राथमिक उल्टता मतलब हो गया अपना EP हो जाएगा, है ना, मतलब प्राइमरी में जो वोल्टेज है वह क्या को दुगुना कर दिया जाए, तो द्वितीयक उल्टता क्या होगी, मतलब हमको क्या निकालना, ES निकालना, मतलब कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज्ञात करना है। तो आप सबको इसका फॉर्मूला तो याद ही होगा साथियों, जैसे कि इन्होंने बता दिया है क्या क्या करना है। जैसे कि देखिए, आप सबको पता होगा NS अपॉन के क्या होता है, NP होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, ES मतलब कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज हो जाएगा, अपॉन क्या होता है, EP होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है माय डियर फ्रेंड, इसमें जैसे कि आपको देखा गया है इसमें कि ट्रांसफार्मर के द्वितीयक लपेटनों को दुगुना, द्वितीयक लपेटन मतलब कि ये देखिए, ये इसको दो कर दिया इसने, है ना, इनटू दो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया माय डियर फ्रेंड, साथ ही प्राथमिक उल्टता को दुगुना कर दिया, मतलब इसको भी दुगुना कर दिया, ईपी को भी क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, ठीक है। और क्या निकालने को बोल रहा है हम, क्या बोल, तो द्वितीयक उल्टता मतलब कि ES को हमको निकालना है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होना चाहिए, तो ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES मतलब जो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका त्रियक गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो अपना क्या हो जाएगा, NS इंटू के क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा साथियों, EP, ठीक है, अपॉन के NP, ठीक है। तो ES कितना, देखिए NS कितना दिया हुआ यहाँ पे, दो दिया हुआ है, दुगुना कर दिया, इंटू के EP को भी कितना इसने दुगुना कर दिया, तो दो दुनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो जो अपना ES मतलब कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज है साथियों, क्या हो जाएगा, वह चौगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है। बेसिकली आपको क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, जो साथियों आप सबको पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी तथा पावर को परिवर्तित नहीं करता, यह केवल वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, जिसके कारण जो करंट है ना, वह भी क्या होता है, कम और अधिक होता है। जैसे अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, तो उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि डाउन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे है हमारा, कि ट्रांसफार्मर का उपयोग जनरली, या फिर ट्रांसफार्मर का उपयोग किसको रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, तो वह क्या करता है, ऊर्जा को रूपांतरित करता है, ठीक है, यह आपको पता होगा, रूपांतरित करता है ना, प्राइमरी से सेकेंडरी में, ठीक है। तो जो 104 नंबर का क्वेश्चन है, 104 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा ऊर्जा, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, 104 का आंसर आपने देख लिया, 3 नंबर का इसका, यह 3 नंबर मतलब ये, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान शून्य लोड अवस्था का केवल क्या होता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल भी बताया था मैंने, यह कितना होता है, 2-5% होता है। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान शून्य अवस्था में केवल 2-5% होता है, जैसे कि यहाँ आंसर भी बहुत दिया हुआ अच्छे से, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कि एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है या फिर क्या नहीं कर सकता है, जिसके हिसाब से ऑप्शन दिए उसके हिसाब से आपको क्या लगाना है माय डियर फ्रेंड, आंसर लगाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आउटपुट उल्टता नहीं बढ़ा सकता है, भैया ये तो बढ़ा सकता है, मतलब ये नहीं आएगा, आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, ये भी कर सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर आ रहा है इसका, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि आप सबको पता होगा माय डियर फ्रेंड, कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें फ्रिक्वेंसी तथा पावर क्या होता है, स्थिर होता है। सपोज दैट आपकी जो फ्रिक्वेंसी प्राइमरी में 50 हर्ट्ज है, तो जो हमको सेकेंडरी में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वह भी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज ही मिलेगी ना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा, 107 की, हाँ देखिए 107 ये, कि सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, और इंपॉर्टेंट हजारों बार लाखों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर माय डियर फ्रेंड 95-98% होती है, फिर 98 भी दिया जा सकता है डायरेक्ट आपको ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा जो अपना एक्समर, एक्समर मतलब वही ट्रांसफार्मर होता है, या फिर इसको हिंदी में परिणाम मित्र भी बोला जाता है, तो साथ
साथियों, यह जो एक्समर है इसमें कोई भी मूवेबल तथा मतलब वेरी पार्ट नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा घूमने वाला घर्षण वाला कोई पार्ट नहीं होता। यह इसमें क्या होता है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो कि स्थिर कोर के ऊपर में रखी हुई होती है, ठीक है। जिस कारण इसकी जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वह क्या होती है, अधिकतम होती है सभी मोटरों की अपेक्षा। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्य करता, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सपोज दैट ट्रांसफार्मर जब अधिकतम दक्षता मतलब अपना एफिशिएंसी पर कार्य करता है तो उसकी अगर उस समय लोह क्षति 500 वाट है तो ताम्र क्षति क्या होगी। साथियों आप सबको इसका रूल्स पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर है जब कभी भी अधिकतम दक्षता पे कार्य करता है तो माय डियर फ्रेंड उस समय उसका जो कॉपर लॉस होता है मतलब CU है ना, तथा आयरन लॉस क्या होगा दोस्तों, आयरन लॉस ठीक है FE बोलना चाहिए, ठीक है FE आयरन लॉस कोर लॉस लिख रहा हूं मैं, ठीक है, वह क्या होगा बराबर होगा, मतलब कि उस कंडीशन में ना, उस कंडीशन में भी आपको बता देना चाहूँ जब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो इन्होंने हमें क्या दिया है, देख पा रहे हैं आप, हमें लो क्षति 500 वाट दिया हुआ है। तो भैया अपने को पता है लो क्षति 500 दिया है तो जो कॉपर लॉस है वो भी क्या होगा 500 वाट ही होगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर आप देख पा रहे हैं ये यहां पर लिखा हुआ है 500 वाट, हल्का सा दिख नहीं रहा होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूं इसका जो आंसर है 500 वाट ही आएगा यहां पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर का 108 में 2 इसका आंसर, 2 मतलब कि दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो हारा 500 वाट, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 109 बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात है होता है, मतलब आप सबको पता होगा जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वह क्या होती है, आउटपुट अपॉन के इनपुट होती है, इनटू के क्या हो जाएगा 100। बट इन्होंने हमें क्या पूछा है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण मतलब पूर्ण दिन की दक्षता, तो देखिए यह क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू एच आउटपुट, ठीक आउटपुट हो जाएगा, ठीक अपॉन के डब्ल्यू एच इनपुट हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा इसमें देखिए एक दिन में आ जाएगा, ठीक है यह इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा वाला, ये सेकंड नंबर का आंसर है इसका, ठीक 109 का दूसरे नंबर का आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 110 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे माय डियर फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति योग प्रकार हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 110 नंबर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह होता है अपना वितरण ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्य शक्ति, जैसे कि अपने घरेलू में है ना जनरली यूज़ किया जाता है, मतलब मोहल्लों में जो लगे हुए रहते हैं, तथा विद्युत संयोजन लिखा है, तो आप सबको पता है साथी विद्युत संयोजन हम जो लेते हैं ट्रांसफार्मर से वह क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जिसके कनेक्शन क्या होते हैं डेल्टा स्टार में होते हैं, आप सबको पता होगा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड कि ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर का तेल है साथियों, खनिज तेल मिनरल ऑयल आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, अगर साथियों अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा क्योंकि उसमें उसको ना तो इंसुलेशन मिल पाएगा प्रॉपर, नहीं कूलिंग हो पाएगी उसमें, है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है तो वह गर्म भी होता है ना, मतलब किसके कारण, जो वाइंडिंग्स होता है उनके प्रतिरोधता लोड के कारण, पता होगा आपको, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, ताकि वह क्या कर सके माय डियर फ्रेंड, रोधन मतलब इंसुलेशन तथा शीतलन मतलब क्या होता है कूलिंग प्रदान कर सके, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा 111111, ठीक है 311, आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर 2 नंबर का मतलब दूसरा ऑप्शन, ठीक है 111 का, ठीक है। ओके देखिएगा 112 आंसर क्या बोलना, ऑप्शन अपना जो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, टेप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें क्या होता है भैया, टेप्ड ट्रांसफार्मर 112 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है जो टेप्ड ट्रांसफार्मर होता है जिससे क्या कर सकते हैं, वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडली में से कई मध्य सिरे निकाले गए हैं, इसका मतलब यह होना चाहिए मतलब यह बोला जाता है ऐसा इसका आंसर आ रहा है कि जो टेप्ड ट्रांसफार्मर होता है जिससे क्या होते हैं सेकंड वाला इसका जो ऑप्शन है ये तीसरा वाला देखिए वाला ना, कि वोल्टता संयोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो उसे टेप्ड ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आप सबने देखा होगा जनरली जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मतलब जो आपने देखा होगा साथियों
जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको टेप्ड किया जाता है, मतलब वहाँ से निकाला जाता है सिरे। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है कि 400 वोल्ट बदले के 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट 20 एम्पियर है तथा सेकेंडरी करंट क्या होगी। साथियों आप सबको इसका भी फार्मूला पता ही होना चाहिए कि देखिए क्या हो जाएगा, ES, ठीक है, आप सबको पता है अपॉन के क्या होता है, EP होता है, बराबर क्या हो जाएगा। जब करंट की बात आती है तो दोस्तों उसमें प्राइमरी करंट ऊपर हो जाती है, मतलब कि IP ऊपर हो जाएगा, अपोजिट होता है इसमें, ठीक है, तथा IS नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो मान दिया है भैया यहाँ पे रख दीजिए, ये देखिए ये ये क्या है, EP है, मतलब कि प्राइमरी का वोल्टेज और ये क्या है सेकेंडरी का वोल्टेज। तो सेकेंडरी का वोल्टेज यहाँ पे कितना दिया साथियों, 200 वोल्ट दिया, बटे कितना आ जाएगा 400 वोल्ट दिया हुआ है, बराबर क्या हुआ है साथियों, हमको क्या निकालना है, प्राइमरी करंट कितनी दी है 20 एम्पीयर, तो ये प्राइमरी की करंट यहाँ पे हम 20 रख देंगे, जैसा बोला है वैसा करना है, कुछ अपने दिमाग नहीं लगाना, बट्टे के क्या करना है हमने सेकेंडरी करंट मतलब कि IS को ज्ञात करना। तो जब IS को हम इधर बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, इसका त्रिक गुना हो जाएगा ना साथियों ऐसा, तो देखिए 400 गुणित कितना हो जाएगा अपना साथियों 20 हो जाएगा ना, देखिए 400 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अपॉन के 200 हो जाएगा ना, तो 10101010 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया साथियों यहाँ पे, कितना गया बच गया 40 एम्पियर इसका करंट आ जाएगा। जो सेकेंडरी की करंट होगी वह कितनी होगी माय डियर फ्रेंड, 40 एम्पियर होगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या प्रयोग कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है, कहाँ क्यों प्रयोग किया जा रहा है। तो 114 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप इसका आंसर देख पा रहे हैं, उल्टता में लघु परिवर्तन पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको साथियों पता होगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है जिसे MPT बोलते हैं और एक होता है सिटी जिसको बोलते हैं, सिटी मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है, इनका उपयोग मेजरिंग मतलब कि क्या किया जाता है, इनका उपयोग सिटी क्या करती है करंट को मेजर करती है, PT क्या करता है वोल्टेज को मापता है, हाई वोल्टेज को, है ना, सिटी हाई करंट को मापती है, आप सबको पता होगा। तो इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे माय डियर फ्रेंड, यंत्रों या रिले में कराया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, 115 का आंसर आ रहा है चौथे नंबर का। ठीक है, चौथा ऑप्शन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन डेल्टा में बोला है इन्होंने, देखिए है ना जैसा बोलता है वैसा हमको करना है। 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो प्रदान क्या करेगा माय डियर फ्रेंड, उस कंडीशन में हमें वह क्या प्रदान करेगा बताइए जरा। तो इसका आंसर आ रहा है 86.6 शक्ति ही प्रदान करेगा, क्योंकि उसका जो एक कुंडलन क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, जल चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, 86.6 पावर अपने को क्या करेगा, प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से तेल शीतलित बोल रहा है, मतलब कि ऑयल शीतलित ऑयल कूलिंग का उपयोग कितने क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। तो साथियों कल भी बताया था मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह क्या है, 500 किलो वोल्ट एम्पीयर, और आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है, बड़े ट्रांसफार्मर को MVA में दर्शाया जाता है, इसको एफरेंट पावर या फिर वास्तविक शक्ति भी बोला जाता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड यह सब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, साथियों आप सबने इसका थ्योरी पढ़ा तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात क्रोट क्यों प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप सबको पता है ट्रांसफार्मर की कोर हो गया, फिर जो अपना आर्मेचर का कोर हो गया जो DC मशीनों में यूज़ किया जाता है, उन सब में क्या होता है सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है ना, तो क्यों किया जाता है ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सिलिकॉन स्टील मिलाया जाता है जो क्या होता है 3 से 4% मिलाया जाता है जनरली, आप सबको पता होगा क्यों मिलाया जाता है, ताकि उससे क्या हो जो अपना हिस्टेरेसिस लॉस है ना उसको घटाया जा सके, जो BH लूप होता है, BH वक्र होता है, BH कर्व होता है, उसका जो लूप है वह क्या बने साथियों कुछ ऐसा छोटा बने, है ना ऐसा। ठीक है, तो जिससे छोटा बनने से अपने लॉसेस कम हो गए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं सिलिकॉन स्टील को मिलाते हैं। ठीक है, आगे आपको देखिए इसका आंसर यह दिया हुआ 118 नंबर का, तथा साथियों हम उसको लेमिनेटेड
क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो एडीकरण लॉस कम हो और उसको पतली पतली पत्तियों के भांति पतली पतली पत्तियों के भांति काट के बनाया जाता है। पता होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे हो आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा 119 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों बार पूछ चुका है, हम पैदा नहीं हुए थे उसके पहले भी क्वेश्चन ये आता था एग्जाम में, मुझे याद है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पे कार्य करता है? साथियों यह फेराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी को क्या बोलते हैं? सहप्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है दोस्तों, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, याद रखिएगा, अन्योन्य प्रेरण, सहप्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण, जो नाम लिया साथियों, यह सब पूरे एग्जाम में पूछा गया है। तथा 2016 का जो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर जिसकी आप तैयारी कर रहे साथियों, उसमें खुद ये क्वेश्चन आया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें दिया था उन्होंने सहप्रेरण। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद ही होगा आपको, बहुत एक्सपर्ट बनते हो आप लोग। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि क्रोड निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है, मतलब जो कोर का निर्माण किया जाता है, आप सबको पता होगा कोर ELI शेप में बनाया जाता है ना, तो वह ऐसा कैसा यूज़ किया जाता है, उच्च मतलब देखिए क्रोड निर्माण के लिए कैसे इस्पात का यूज़ किया जाता है, तो माय डियर फ्रेंड वह क्या होता है? उच्च चुंबकनशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति वाला हो, तभी तो लॉसेस कम होंगे ना, उच्च मैग्नेटिक वाला होगा ना, है ना, उच्च चुंबकनशीलता तथा निम्न हिस्टेरेसिस क्षति वाला हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा साथियों, ये क्वेश्चन साथियों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके, वही क्वेश्चन यहाँ आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 122। ठीक है, 100 कितने नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन इधर में लिखा था, चलो आपको पढ़ा देता हूँ पहले। इसमें क्वेश्चन था अपना कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर कौन सा है? भैया बताइए कौन सा है, PDF मास है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो चित्र दिखा रहा है साथियों ये किसका है आप देख पा रहे हैं? ये पहली बात तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि आप सबको पता होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, ठीक है, पता है आपको। अब वाइंडिंग को हम कैसा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर, वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, उसके अनुसार हम उसको पहचानते। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि वो प्राइमरी वाइंडिंग, ये देखिए इसको और इसको, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब जो लोड लगा हुआ है ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग को क्या कर रहा है, मतलब एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी के तरह उसमें, मतलब एक ही वाइंडिंग को यूज़ किया जाता है। तो अगर वह, ये तो लोड है, सॉरी ये सेकेंडरी नहीं है, ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, अगर साथियों वह अपने को अगर पूरी वाइंडिंग को ऐसा यूज करता तो क्या होता, स्टेप अप होता, और वो आधी यूज कर रहा है मतलब कि क्या होगा, स्टेप डाउन होगा, है ना। तो देखिए कम यूज करें, तो देखिए साथियों उसमें इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर तो है भैया वो, लेकिन कौन सा है, वो है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये कम वाइंडिंग का यूज़ करा, अगर पूरी का करता तब जाके वो स्टेप अप आता। ठीक है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना साथियों, क्वेश्चन यहाँ ट्रांसफार्मर से पूछना है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना। आगे देखिए कि शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक उल्टता के द्वारा संतुलित होती है। साथियों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, 2-3 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देना चाहूँगा आपको। 122 का आंसर है, 4th नंबर का ऑप्शन आ रहा है इसका, कि प्राथमिक कुंडल में पैदा हुई उल्टता हाश। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना कि एक किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करेगा। अब भैया ये विद्युत वाहक बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, यह सब आपको पता होना चाहिए इसका। चलिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, तो E बराबर क्या हो जाएगा, यह याद रहना चाहिए आपको एग्जाम की दृष्टि से, 4.445 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एंड फ्रिक्वेंसी हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, यहाँ इंटू रहता है। ठीक है, देखिए N मतलब होता है कोर में लपेटनों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला एग्जाम की दृष्टि से साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में हर बार यार, जैसे इच्छा परीक्षा वाले की पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही हो गया यह किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी एंड अपना एन क्या चाहती है उसमें लपेटनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा, आवृत्ति, लपेटन संख्या, ये अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पे क्या करेगा, डिफेंड करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा 124 क्या बोलना चाह रहा है,
क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स तथा वोल्टेज के बीच कोण होता है, तो 124 क्या बोलना चाह रहा है साथियों? जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आ रहा 90 का होता है, मतलब बीच का कोण, ठीक है, फ्लक्स एंड वोल्टेज के बीच में। ठीक, आगे देखिएगा 125 नंबर का, शुष्क सिलिका जेल। अब भैया इन्होंने हमें शुष्क सिलिका जेल, मतलब अगर पूछता है जब वो सूखी हुई है, जब वो अच्छी है, जब उस कंडीशन में उसका कलर कैसा होगा, जब फ्रेश है तो उस कंडीशन में आप सबको पता है उसका कलर क्या होता है, नीला होता है। जब वह नमी युक्त है, ख़राब हो गई है, तो उस कंडीशन में उसका कलर क्या हो जाता है, हल्का सफ़ेद या फिर गुलाबी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए मैं टाइम तो इतना ही है मेरे पास थोड़ा, ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ठीक है साथियों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना साथियों चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।